दिक्कत आएगा। तो हम लोग किए क्या कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीरियर यहाँ तक का हम लोग का राउंड फिगर पकड़ लेते 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 17,150 का स्ट्राइक प्राइस पी खरीद रहे हैं ना, 17,150 का स्ट्राइक प्राइस हम लोग पी खरीद रहे हैं, इसका प्रीमियम वैल्यू कितना चल रहा है 236, यानी कि यहाँ पे 236 चल रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है स्टॉप लॉस की तरफ, तो अपना स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे, यही क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे तो आपका ऑप्शंस में दूसरा प्राइस रहता है और रियल में वैल्यू कुछ और होता है, तो इसके हिसाब से तो हम लोग 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते ना। हम लोग कैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे, डेल्टा को चेक करते हुए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 17,150 का डेल्टा वैल्यू कितना चल रहा है, 0.74, यानी कि 10 रुपये का मूवमेंट में 7.40 रुपये इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो अगर ये 100 रुपीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये राउंड फिगर 74 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ हम लोग अगर देखेंगे तो 236 जहाँ पे हम लोग बाई थे, और ये अगर यहाँ से 100 रुपीज़ ऊपर जाता तो अपना डेल्टा जो 0.74 है ये अपने को कितना का दिखाएगा लॉस, 74 पॉइंट्स का। तो यानी कि 236 में जिसको बाई किए इसमें हम लोग माइनस क्या करेंगे 74, यानी कि 236 में बाई करके 74 माइनस करें तो 162, तो स्टॉप लॉस क्या बन गया 162। क्लियर हुआ? तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस क्या रखेंगे,